स्टूडेंट्स, दोस्तों एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। अगर आप पहले लोन लेते थे और लोन लेकर फंस जाते थे क्योंकि वो लोन ऐप फेक निकलता था, या फिर जब भी आप लोन के लिए सर्च करते थे तो फेक ही लोन ऐप आपको दिखते थे, जिससे आपको बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी लोन लेने में, अब ऐसा आपके साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि गूगल ने अब अपनी पॉलिसी में अपडेट किया है, जिसकी वजह से अब जो भी फेक लोन ऐप्स वाले हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला है। अब वो अपने फेक लोन ऐप्स जल्दी लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब आप पहले लोन लेते थे तो लोन लेते वक्त आप अपने डॉक्यूमेंट्स और परमिशन दे देते थे, जिसकी मदद से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका डेटा उठा लेते थे, और उसके बाद जब आप लोन लेते थे तो जो लोन जैसा बताया जाता है वैसा ये लोन नहीं देते थे, 7 दिन वाला लोन आपको दे देते थे। उसमें ये आपको छोटा अमाउंट डालते थे और हाई सर्विस चार्ज काटते थे पहले, फिर उसके बाद जब आपको अमाउंट मिलता था उस पर हाई इंटरेस्ट लगाकर लगभग डबल अमाउंट आपसे मांगा जाता था, और कहते थे कि 7 दिन से पहले पहले आप उसे रिपे कर दें, और जैसे ही आपने रिपे किया तो ये कहते थे कि रिपे भी नहीं हुआ, फिर आपको डराते थे धमकाते थे, या फिर आपने रिपे नहीं किया तो और आपको डराते थे धमकाते थे, और कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी इनके तक पहुंच जाती थी, फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में गलत सलत मैसेज, लोन और न्यूड पिक्स आपकी भेजते थे, आपको बदनाम करते थे, इस हद तक कि बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके का एक्सट्रीम लेवल का ये हैरेसमेंट करते थे और बहुत परेशानी होती थी लोगों को। और आप मेरे चैनल पर देखेंगे मैंने हर फेक लोन ऐप्स का रिव्यू दिया और बताया कि यहाँ से लोन न लें, इसीलिए बनाया कि आप लोग फंसे ना। और अगर आपको यकीन नहीं आता कि इस तरह के फेक लोन ऐप्स नहीं हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में चले जाइए और देखिए लोग कैसे बता रहे हैं कि उन लोगों को किस तरीके से हैरेस किया जा रहा है, कितना ज़्यादा अमाउंट 7 दिन के लिए मांगा जा रहा है। तो दोस्तों ये होता था, इसलिए मैं पूरे जितने भी फेक लोन ऐप्स है उसका रिव्यू डालता था और बताता था कि रिस्की और सस्पिशियस है, यहाँ से ना लें, और अगर फंस चुके हैं तो क्या करना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसा आपके साथ नहीं हो पाएगा कि आपको कोई भी फर्जी लोन ऐप्स दिख जाए, या फिर कोई RBI का नाम लेकर बता दे कि रजिस्टर्ड लोन ऐप है, या फिर कोई NBFC का नाम उठा ले और आपको बताए कि सही है और यहाँ से लोन मिल जाएगा और आप वहां पर जाकर फंस जाए। क्योंकि अब जो गूगल ने अपडेट किया है वो 31 मई से ये पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी और ये लागू हो जाएगी। अब ये पॉलिसी क्या है ये आप सुन लीजिए। देखिए, गूगल कहता है कि अब अगर कोई भी लोन ऐप लॉन्च होगा तो वो अपनी कैटेगरी फाइनेंस बताएगा। उसके बाद ये कहता है कि जो जिसने भी इस ऐप को लॉन्च किया, जो भी ओनर है या जो भी NBFC है, अब उसको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसमें उसको ऐप की पूरी टर्म्स और कंडीशंस पूरी बतानी पड़ेगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद यही नहीं, और भी आपको चीजें देनी पड़ेगी, जैसे कि ऐप कैसे संचालित होता है वो सारी चीजें का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, और जो भी इसका ओनर है, जो भी इसका डेवलपर है, उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। और साथ ही अगर कोई ऐप ये कहता है कि वो RBI रजिस्टर्ड है और RBI ने उसको अलाउ किया है कि वो पर्सनल लोन दे सके, तो उसको भी अपनी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। तो ये सब चीज अब गूगल ने अपडेट किया है, और गूगल ने यह भी कहा है कि अब जैसे ये लोग आपकी परमिशन ले लेते थे, जिसकी मदद से आपका डेटा, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस और लोकेशन पता कर लेते थे, तो वो भी ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये सब अपडेट गूगल ने इसीलिए लाया है क्योंकि इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही थी, इतनी ज्यादा कंप्लेन आ रही थी फेक लोन ऐप्स का, और मैंने खुद इतना रिव्यू किया फेक लोन ऐप्स का ये बताने के लिए कि भाई यहाँ पे ना जाए, क्योंकि ये सब लोग आपको जो दिखा रहे हैं वो नहीं दे रहे, सिर्फ 7 दिन वाला लोन ऐप, यही मैंने बताया, आप जाके हर एक वीडियो में देख लीजिएगा। तो अब इस तरीके का काम नहीं हो पाएगा। जो लोग इस तरीके से ऐप बार बार फर्जी ऐप लगा देते थे गूगल प्ले स्टोर पे, तो अब नहीं हो पाएगा। अब उनको हर चीज का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, चाहे वो ओनर का हो, चाहे वो डेवलपर का हो, चाहे वो किस तरीके से संचालित होगा आपका ऐप, चाहे क्या टर्म एंड कंडीशन है, सब चीज बताना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। RBI रजिस्टर्ड भी हो तो लगाओ। तो अब ये लोग आपके साथ धोखा नहीं कर पाएंगे, और अब कोई भी मासूम आदमी की जिंदगी नहीं बर्बाद हो पाएगी 7 दिन लोन के चक्कर में। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी गूगल की, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।